जय माता दी, हैप्पी नवरात्रे टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल आउट ऑफ फाइव। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा चमोली, वेलकम करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में। तो मैं यहाँ आ चुकी हूँ पार्लर अपने बालों की बलि देने। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने लंबे लंबे बाल हैं और पार्लर वाले ने काट के कर दिए काफ़ी ज़्यादा छोटे। तो व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आउट ऑफ फाइव। कैसे हो आप लोग? आज मेरी मम्मा मुझे लेक्चर दे रही है। आज मेरी मम्मा मुझे लेक्चर दे रही है चश्मा पहन के। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे ना जो पूरा मंथली राशन होता है वो एक ही साथ हम साफ करके रख देते हैं ताकि बार बार साफ ना करना पड़े। और आज मैं जाने वाली हूँ पार्लर, तो आप लोगों को भी लेकर चलूंगी पार्लर में, क्योंकि मुझे जाना है, परसों कहीं निकलना है। वो आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो थोड़ा सा फिर पार्लर चलेंगे, अपने आप को थोड़ा सा ठीक करेंगे, हुलिया सुधारेंगे। तो मैंने पार्लर में फ़ोन किया था, तो पार्लर वाले जो हैं उन्होंने बोला मैं फ़ोन करके बताऊंगी कि कब आना है, क्योंकि फ्रेंड्स जिसके पास मैं पार्लर में जाती हूँ ना, तो उनकी एक छोटा सा बेबी है। तो मैंने कहा आपको जब कंफर्टेबल हो मैं उस टाइम पार्लर आ जाऊंगी। तो देखिए यहाँ मैं रात देख ले एक सेब कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि उसको ना बीच बीच में भूख लगती है, तो उस समय हम उसे फ्रूट्स ही देते हैं। वैसे आजकल खांसी भी थी तो बीच में हम नहीं भी दे रहे थे, लेकिन क्या दे फिर कुछ समझ ही नहीं आता है। काफ़ी सारी चीज़ें उसके एलर्जी की वजह से बंद है, तो यहाँ पे हम उसे फ्रूट्स देते हैं और उसे खाना बहुत पसंद भी है। आरू और मैं मिलके एक एक्टिविटी बना रहे हैं जिसमें सारा काम आरू मेड से करवा रही है, खुद कुछ नहीं कर रही है। कटिंग से लेके सारे काम ये मेड से करवा रही है। और देखते हैं अभी, तो मुझे कटिंग के लिए दे ही नहीं रहे हो। अच्छा, तो काटो चलो। कुछ 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 ये बस मेरे बाल काटने के पीछे पड़ी हुई है और कुछ भी कटिंग नहीं कर रही। जल्दी से कट करो आराध्या के कटिंग स्किल्स। और उंगली तो पीछे कर ले बेटी, डर लगता है मुझे बहुत। अब पता चला मुझे बहुत डांट रही थी ना एक घंटे से। तो फ्रेंड्स ये है ना, मुझे इतना डांटती है और हमारे बहुत पंगे होते हैं जब भी हम एक साथ कुछ भी काम करते हैं, एक्टिविटी का काम भी अगर हम एक साथ करते हैं, तो इतना लड़ती है मेरे से, इतना लड़ती है। इसको लगता है कि इसकी मम्मा नहीं बना रही है ठीक से। क्या कहना चाहती हो मैडम, कुछ कहना चाहती हो? यू वॉन्ट टू से समथिंग आराध्या? नकचुड़ू, ओ नकचुड़ू, हो गया। वेरी गुड, लेट्स कंप्लीट आवर एक्टिविटी। तो अब यहाँ मैं बनाने लगी हूँ खिचड़ी। तो देखिए इसमें मैंने चावल थोड़े से लिए और सबसे ज़्यादा लिए मैंने दाल, और उसी के साथ मैंने सबसे ज़्यादा लिए है दलिया। अगर आप इसमें अजवाइन ऐड कर देंगे और वाइट तिल ऐड कर देंगे फ्रेंड, तो ये बन जाएगी बाबा रामदेव वाली खिचड़ी। और साथ ही में थोड़ा सा अजवाइन, तो मुझे बाबा रामदेव वाली खिचड़ी ना इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि इसमें अजवाइन भी होता है। तो खिचड़ी मैंने बिल्कुल सिंपल बनाई है, बिना तड़के वाली, और मैंने उसमें ऐड किया है एक टमाटर। तो कोई तड़का नहीं है, सिंपल खिचड़ी है, और वो आराध्या मैं और मेरी मम्मा खाएंगे। अब देखिए आ चुकी हूँ मैं पार्लर में, तो यहाँ मेरी आईब्रोज बन चुकी है। तो देखिए आईब्रो बनते ही फेस ना अलग ही चमकने लगता है और अच्छा दिखता है, कुछ अलग सा लगता है। जेंट्स लोगों को तो समझ भी नहीं आता, मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि आपको मेरे फेस पे कुछ अलग लग रहा है या नहीं, और वो हमेशा मना कर देते हैं, अरे नहीं कुछ भी अलग नहीं है। तो यहाँ मेरे बाल कट चुके हैं और मैं आ चुकी हूँ घर। तो फ्रेंड्स जब भी हम बाल कटवाते हैं तो हमें लगता है कि हमारे बाल बहुत ही छोटे हो गए, तो वही मेरे साथ भी हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्लर वाले ने बाल बहुत ज़्यादा कट कर दिए, लेकिन नहीं किए हैं, बिल्कुल सही कट किए हैं। इतने बाल तो जाने ही थे फ्रेंड्स, और मैंने कोई कट नहीं करवाया, ओनली यू कट करवाया है और आगे से थोड़े से फ्लिक्स करवाए हैं। किस किस के साथ ये होता है कि पहले तो हम बाल कटवा लेते हैं और बाद में हमें लगता है कि हाय गलती कर दी कटवा के, बहुत छोटे हो गए। बहुत ही सिंपल कट लिया है मैंने, ओनली यू कट, क्योंकि अगर मैं कोई स्टेप वगैरह या कुछ करवाती तो मेरे बहुत ज़्यादा बाल चले जाते। और देखिए मैंने थोड़े से आगे से फ्लिक्स भी कटवाए हैं, कैसे लगे आपको ज़रूर बताइएगा। और अब चलते हैं रात देख ले समर की शॉपिंग करने। तो ये हो चुका है रात का टाइम, तो मैंने टॉप चेंज कर लिया। वो टॉप मैंने स्पेशली पार्लर जाने के लिए ही पहना था, क्योंकि मुझे करवानी थी हैंड वैक्सिंग। और अब हम आ गए मार्केट में, तो एक बहुत ही बड़ी शॉप है फ्रेंड्स, इसमें जेंट्स बच्चे लेडीज़ सबके कपड़े मिल जाते हैं। और शॉपिंग हो चुकी है, अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ मोमोज़ लेने। तो यहाँ पे हमने मोमोज़ लिए और सीधा मैं भाई के कमरे में चली गई। आराध्या से आजकल हम छुप छुप के ही ये सब खाते हैं, जब भी खाते हैं। तो अब हम यहाँ पर खा रहे हैं मोमोज़। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सिर्फ एक प्लेट मोमोज़ ली थी अपने लिए और भाई के लिए, क्योंकि और लोग हमारे घर में मोमोज़ ज़्यादा
मतलब मम्मा तो बिल्कुल खाती ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने बना दी है आलू की सब्जी और उसी के साथ जो है राइस फ्राई कर दिए हैं। वैसे मैं ना दाल बना के गई थी, आलू उबाल के कट करके भी गई थी, बस मैंने सोचा कि तड़का घर आके लगाएंगे। और ये देखिए ये आराध्या की फर्स्ट ड्रेस है, तो ये उसकी समर की शॉपिंग है, फुल बाजू की टी शर्ट। और क्योंकि फ्रेंड्स दिल्ली में ना मच्छर बहुत ज़्यादा है, तो देखिए ये दूसरा टॉप है जो मैंने ब्लैक कलर में लिया है, और ये हाफ बाजू का है तो फुल नहीं मिला तो मैं हाफ ही लिया, क्योंकि दिल्ली में ना गर्मियों के कपड़े ही ज़्यादा रहते हैं, सर्दियों के कपड़े बहुत ही कम टाइम के लिए आते हैं। और कैसे लगे आपको आधे की ड्रेसेस? अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और आप इस व्लॉग को शेयर भी कर सकते हैं। तो देखिए ये दूसरी ड्रेस है और ये कॉम्बिनेशन आपको कैसा लग रहा है ब्लैक एंड रेड का? तो यहाँ मैं आराध्या की शिकायत कर रही हूँ और आराध्या मेरी। बाय बाय।